केरला के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमवी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा यह आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य तुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है
उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की चिवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। विकसित भारत का बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व। चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। INS विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। INS विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। रिपोर्ट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएंगे। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्ध भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है उतना भी उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश में लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी।